दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले इंसान हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में भले ही कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन जीतने के बाद भी कांग्रेस उन राज्यों में खुद को स्थापित कर पाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल तक लगातार काबिज रहने वाली बीजेपी और उस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश अपना मामा मानता है, उनसे अपने दुख सुख कहता है, वो आज भी जनता के हित के लिए निरंतर कार्यों में जुटे हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो मामा शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ भी पहुंचे, जो एक समय में बीजेपी का गढ़ माना जाता था। करीब 15 साल तक यहां बीजेपी ने राज किया था और मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी था, लेकिन सत्ता में कांग्रेस आ गई और जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किए जाने से शिवराज सिंह बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र का दौरा तो किया ही, साथ ही सुकमा और कोडा गांव में चुनावी रैली को संबोधित भी किया और कांग्रेस के खिलाफ जमकर गुस्सा भी निकाला। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इंटरनेशनल झूठा करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक अपने किए वादों को पूरा नहीं करने वाले राहुल गांधी इंटरनेशनल झूठेले हैं। दुनिया में कोई सबसे बड़ा झूठ है तो वो राहुल गांधी है। विकास की बात अगर करो तो विकास के सारे काम अगर बस्तर की धरती पर किसी ने किए, दंतेवाड़ा की धरती पर, सुकमा की धरती पर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कई सपने दिखाए। एक बात कहता हूं मैं सुकमा वालों, ये राहुल गांधी जी इंटरनेशनल झूठेले हैं, सबसे बड़े झूठे, दुनिया के सबसे बड़े झूठे अगर कोई है तो राहुल गांधी है। फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस वादे की भी याद दिलाई जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किया था, कर्ज माफी का वादा, और साथ ही 10 दिन में वादा पूरा नहीं करने पर मुख्यमंत्री को पद से हटा देने का भी वादा राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। हालांकि आज तक ना तो किसानों का कर्ज ही माफ हुआ और ना ही मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया ही गया। राहुल गांधी जी दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले इंसान हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। अब तक इस हिसाब से 10 मुख्यमंत्री हट जाने चाहिए थे। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही जनता को बरगलाने की कोशिशों पर भी तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने जनता को बताया कि कैसे जिस एयर स्ट्राइक को लेकर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, विदेश में भी भारत के आतंकवाद के खिलाफ इस कठोर कदम की चर्चा है, लेकिन इस पर भी झूठ बोलकर कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। अब कितना बड़ा झूठ तो बोलो, सारा देश एयर स्ट्राइक पर डर से रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जो कांग्रेस की नीति माननीय नरेंद्र मोदी की है, वो जमाना था जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, सरकार की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर पूरी में आतंकवादी हमला हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्रों को उड़ा दिया गया है। अब उस पर भी कांग्रेस जिस तरह के सवाल करते हैं, मन में सवाल आता है कि ये हमारे देश के नागरिक हैं या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? प्रमाण मांगे जाते हैं। एक नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, वो ये कहते हैं दुर्घटना, दूसरे नेता कहते हैं तो फिक्सिंग थी। फिर बारी आई कांग्रेस के अभी हाल ही में जारी हुए मैनिफेस्टो की, जिस पर बीजेपी समेत कई लोगों ने कांग्रेस को घेरा है।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे कर दिए हैं जो देश हित में नहीं बल्कि देशद्रोह को बढ़ावा देने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस को वोटों का लालची बताते हुए कहा कि पता नहीं कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी। झूठ का पुलंदा है वो, जनता को भ्रम में डालने के लिए कुछ भी ऊटपटांग बातें कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह की सीमा तक चली गई है। उन्होंने जो राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने का की बात की है, वो धारा तो ऐसे लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उस धारा को हटाने की कोशिश कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं की। वोटों के लालच में कितना नीचे गिरेंगे ये सोच के तकलीफ होती है। 2014 में चली मोदी लहर का असर 2019 में दिखाई देगा या नहीं, ये तो 23 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने 2019 में बीजेपी के जीतने और नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री बनने का दावा किया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के अथक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वो कांग्रेस के झूठों की पोल खोलकर बीजेपी की जीत को और आसान बनाने की कवायद में जुटे हैं। विकास की बात अगर करो तो विकास के सारे काम अगर बस्तर की धरती पर किसी ने किए, दंतेवाड़ा की धरती पर, सुकमा की धरती पर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कई सपने दिखाए। एक बात कहता हूं मैं सुकमा वालों, ये राहुल गांधी जी इंटरनेशनल झूठेले हैं, सबसे बड़े झूठे, दुनिया के सबसे बड़े झूठे अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी थोड़ा नीचे कर लो, दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले इंसान हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये कहा था कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। अब तक इस हिसाब से 10-1 मुख्यमंत्री हट जाने चाहिए थे। अब इतना बड़ा झूठ का बोल सारा देश या इस टाइम पर जा सकता है। आतंकवाद की जिंदा जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। वो जमाना भी था जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ शिविरों पर कार्रवाई करे। लेकिन अगर पूरी में आतंकवादी हमला हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद झूठ का पुलंदा है वो, जनता को भ्रम में डालने के लिए कुछ भी ऊटपटांग बातें कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह की सीमा तक चली गई है। उन्होंने जो राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने का की बात की है, वो धारा तो ऐसे लोगों के लिए जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उस धारा को हटाने की कोशिश कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं की। वोटों के लालच में कितना नीचे गिरेंगे ये सोच के तकलीफ होती है। विकास की बात अगर करो तो विकास के सारे काम अगर बस्तर की धरती पर किसी ने किए, दंतेवाड़ा की धरती पर, सुकमा की धरती पर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कई सपने दिखाए,
एक बात कहता हूं मैं सुकमा वालों, ये राहुल गांधी जी इंटरनेशनल झूठेले हैं, सबसे बड़े झूठे, दुनिया के सबसे बड़े झूठे अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं।